हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में एक क्लास फाइल को, जो कि जावा को कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल मिलती है, और हम डॉट क्लास फाइल को डी कंपाइल करके जावा फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं डी कंपाइलेशन, कैसे हम जावा के प्रोग्राम का डी कंपाइलेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बाइट कोड से सोर्स कोड में चेंज कर सकते हैं। और हम लोग नॉर्मली करते हैं क्या है, हर बार कंपाइलर का यूज़ करके हम लोग सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डी कंपाइलेशन करेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी सोर्स कोड को, जो हम लोग कोड लिखेंगे, ह्यूमन कोई कोड लिखता है उसको सोर्स कोड बोलता है, और जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन होता है, वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। और फिर बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड को हम लोग JVM की हेल्प से रन कराते हैं मशीन पे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बाइट कोड को डी कंपाइल करेंगे, दैट मीन्स उल्टा डी कंपाइलेशन प्रोसेस करेंगे, और हम लोग अब सोर्स कोड निकालेंगे। जैसे आप लोग भी कर सकते हो, बहुत बार आपको क्लास फाइल मिल जाएगी तो क्लास फाइल रीडेबल नहीं होती, आप रीड नहीं कर सकते, वो JVM से समझ सकता है बाइट कोड। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, डी कंपाइलेशन सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फोल्डर है हमारे कंप्यूटर पे, देखिए मेरे पास एक यहाँ पे फोल्डर है जिसका नाम मैंने दिया डी कंपाइलेशन, और मैंने एक टेस्ट डॉट जावा फाइल बनाई है, और इसमें मैंने एक क्लास बनाया है टेस्ट, और उसमें मैंने एक मेथड बना दिया से हेलो का। इसमें सिंपली मैंने क्या किया, एक आर्गुमेंट ले लिया है स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, और फिर इस वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया मेन में। जब ये चलेगा तो ये प्रिंट करेगा हेलो पोन। मैं पहले कंपाइल करके दिखा देता हूँ, सीधा प्रोसेस पहले करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे फाइल पे, पावर शेल पे चलेंगे, और ओपन विंडो पावर शेल। जैसे ओपन विंडो पावर शेल करेंगे तो हमारी यहाँ पे पावर शेल ओपन हो जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, सिंपली जावा सी और टेस्ट डॉट जावा फाइल का नाम देंगे। तो जैसे मैं कंपाइल करूँगा, आप देखिएगा यहाँ पे क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी, दैट मीन्स बाइट कोड। ही देखिए सिंपली बाइट कोड जनरेट हो गया। अब इस बाइट कोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लिखेंगे जावा और टेस्ट और एंटर कर देंगे, तो देखिए हेलो पवन, दैट मीन्स आपका बाइट कोड चल रहा है, ये चल रहा है। अगर मैं इस फाइल को डिलीट भी कर देते हैं, लेट अस सपोज हमने सोर्स कोड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ बाइट कोड है। अगर मैंने ओपन किया तो ये चीज़ है, बट ये चीज़ चलेगी क्योंकि एग्जीक्यूशन जो हो रहा है ये बाइट कोड का हो रहा है। अगर हम फिर से प्रोग्राम चलाएं तो हेलो पवन, जितनी बार प्रोग्राम चलाएं हेलो पवन होगा। लेकिन अगर आप फिर से दोबारा प्रोग्राम कंपाइल करने की कोशिश करें तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि आपने सोर्स कोड क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये देखिए फाइल नॉट फाउंड टेस्ट डॉट जावा। तो आपने क्या किया, सोर्स कोड यहाँ से डिलीट कर दिया। उस केस में आपके पास सिर्फ बाइट कोड बचा है। अब आपको लेट अस सपोज आपको चाहिए क्या, फिर से सोर्स कोड की जरूरत है, और आप निकाल नहीं पा रहे हो कि भैया सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास किस कोई क्लास फाइल है, दैट मीन्स अगर आपके पास बाइट कोड है, तो उस बाइट कोड से सोर्स कोड कैसे निकाल सकते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन रीडेबल कोड, इंग्लिश का कोड जो हम लोग ने टाइप किया था वो कैसे निकाल सकते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे सारी चीज देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा इंटरनेट, और वहां से जावा डी कंपाइलेशन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखिए ध्यान से, मैं गूगल पे टाइप करता हूं JAD जावा डी कंपाइलेशन टूल या जावा डी कंपाइलर, और आप डी कंपाइलर एंटर करके सर्च कर दिए, और सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होगी javadecompilers.com, उस पर आप क्या करिएगा, उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली ओपन कर लेगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है विंडोज़, ना ये वाला, मैं क्या करूँगा विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए सिंपली डाउनलोड कर लूँगा, और इसको यूज़ कैसे करना है ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, हाउ टू यूज़ JAD, ये सारी चीज़ बता रहा है सिंपली। तो मैं आपको सारी चीज़ समझा रहा हूँ करना कैसे, और फिर मैं टेस्ट डॉट क्लास को सोर्स कोड में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए डाउनलोड हो रहा है, और हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो डाउनलोड हुआ है इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो जब ओके करेंगे तो इसके अंदर जाएंगे, तो देखिए एक आपको मिलेगा यहाँ पे फाइल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, JAD जावा डी कंपाइलर .exe, ये इंपॉर्टेंट फाइल है। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप क्या करिए, इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लीजिए सिंपली, और आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप जो कंपाइलेशन कर रहे थे वो किस जावा वर्जन से कर रहे थे। तो हम लोग फिर से चलते हैं अपने यहाँ पे, और एक बार चेक करते हैं कि हम जावा का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो आप सिंपली, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप यहाँ टाइप करेंगे java-version, और देखिए java 11। तो हम लोग को चलना है java 11 की डायरेक्टरी में। तो
और हम लोगों ने याद रखिए फाइल मैंने कॉपी कर लिया, अगर नहीं किया तो एक बार फिर से कॉपी कर लीजिए और आ जाएंगे दिस पीसी पे, उसके बाद सी ड्राइव में जा जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे जावा पे आ जाएंगे। जावा के बाद JDK 11, मेरा जो वर्जन था वहाँ का JDK 11 था, अगर 1.8 होता तो मैं इसके अंदर जाता। यहाँ पे मेरा JDK 11 से मैं कंपाइलेशन कर रहा था तो मैं इसके अंदर जाऊँगा। जो पाथ आपको वहाँ पे दिखेगा, मतलब जो वर्जन आपको वहाँ पे दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा था 11.0, दैट मीन्स हमें इस फोल्डर को चूज़ करना है, 11 वाले वर्जन के अंदर जाना है। यहाँ अगर 8 दिखेगा इसका मतलब हमें 8 के अंदर जाना है। तो हमें फिलहाल मेरे में जावा 11 चल रहा है करेंटली, तो मैं क्या करूँगा 11 के अंदर जाऊँगा और बिन के अंदर जाऊँगा सिंपली, और इस बिन के अंदर मैं अपनी वो वाली फाइल JAD.exe को पेस्ट कर दूंगा सिंपली यहाँ पे। कंटिन्यू कर दीजिएगा क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए। जब ये करोगे तो यहाँ पे देखिए JAD.exe फाइल अपने आप से आ गई है। ये फाइल हमारी हेल्प करेगी जावा को क्लास फाइल्स को डीकम्पाइल करने के लिए। चले अब यूज़ करते हैं, डीकम्पाइलेशन करते हैं। तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और आ जाते हैं अपने फोल्डर में। और अगर आपका टर्मिनल ओपन है तो एक बार इस टर्मिनल को बंद कर दीजिए और फिर से टर्मिनल ओपन करिए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हुआ क्या है कि हमारा पाथ अगर सेट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम सिंपल सा डीकंपाइल करके देखते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक एनिमल डॉट क्लास फाइल है और मुझे नहीं पता क्या लिखा है और इसके अंदर आपको भी नहीं पता क्या लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डीकंपाइल करके चेक करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है, सोर्स कोड में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चलेंगे, फाइल पे चलेंगे और ओपन विंडो पावर सेल पे चलेंगे और अपने JAD टूल से, जावा टी कंपाइलर टूल से क्या करने की कोशिश करेंगे, हम लोग इसको डीकंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे जावा JAD-S java और फिर आपने एनिमल डॉट क्लास फाइल सिंपली लिख देंगे और उसके बाद सिंपली आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आ गया पार्सिंग एनिमल डॉट क्लास फाइल जनरेटिंग एनिमल डॉट जावा, दैट मीन्स आपकी एनिमल डॉट जावा जनरेट हो गई है और आप क्लिक कर दिए सिंपली तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी डिकम्पाइल्ड बाय दिस कौन सा वर्जन डिकम्पाइल हुआ है, सारी चीज़ें लिख के आ गई और आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्लास एनिमल थी और उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और एक ईट मैथड था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, क्लास फाइल से एक जावा फाइल जनरेट कर लिया और यहाँ पे देखिए हमारा सोर्स कोड बन गया। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी क्लास फाइल है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जावा फाइल जनरेट कर सकते हो और सिंपली डीकंपाइलर से आपको डीकंपाइलर डाउनलोड करना होगा, बिन में ले जाना होगा और फिर उसके बाद JAD टूल को यूज़ करना पड़ेगा डीकंपाइल करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।